हाय, इस वीडियो में हम एक लहंगा बनाने वाले हैं जिसके लिए मैंने नेट का कपड़ा लिया है ग्रीन कलर का और साथ ही में लाइनिंग का उतना ही कपड़ा। मेरा ब्लाउज, लहंगा और केप बनाने के लिए टोटल 2 मीटर का कपड़ा लगा और ये मैं 3 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो पहले वेस्ट का मेजरमेंट बता रही हूँ। मेरा टोटल वेस्ट मेजरमेंट 19 इंचज़ है और मेरी हाइट 16.5 इंचज़ है और मैं उसमें एक बेल्ट भी लगाने वाली हूँ जो कि 1.5 इंचज़ है। और बीच में जितना भी आप अटैच करेंगे कपड़े को, वो हर एक मार्जिन के लिए मैंने 1-1 इंच छोड़ा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आधा आधा इंच भी छोड़ सकते हैं। मैं हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा लेके चलती हूँ। जो सर्कल हम वेस्ट का है वो 19 है, उसको प्लस 2 इंचज़ में हमेशा रखती हूँ, तो वो 21 हो गया डिवाइडेड बाय 6.28 जो कि 3.34 आएगा। 6.28 क्योंकि हमें पूरा सर्कल कटआउट करना है इसलिए हम 6.28 से डिवाइड करते हैं। ये हमने वेस्ट का मेजरमेंट लिया है और ये पूरे लेंथ का हमने 17 इंचज़ टोटल करके मैं ले रही हूँ। वेस्ट से नीचे का ऑलमोस्ट फ्लोर लेंथ तक का, तो 17 इंचेस उसको मार्क करते हुए मैंने पहले चॉक से उसको एक सर्कल बना लिया है और उसको मैं फिर काटने वाली हूँ। और अब मैंने एक्चुअली 2 लेयर ये ले रखा था तो मेरे ऐसे 2 सर्कल्स बन गए। अगर आप चाहें तो एक ही सर्कल यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा गहरों चाहिए तो आप 2 बना सकते हैं। तो मैंने क्योंकि 2 काट लिए थे तो मैंने दोनों को फिर बीच में से कट हमारे पास एक छोटा सा पपी है, इफ़ यू कांट फिगर इट आउट ऑलरेडी, तो उसको मैंने बीच में से काट के उन दोनों सर्कल्स को स्टिच करके ऐसे जोड़ दिया मशीन के सिलाई मार के, और फिर वो हमारा डबल सर्कल स्कर्ट बन गया। ये पूरा का पूरा लाइनिंग हमारा रेडी हो जाएगा। एक बार ये लाइनिंग रेडी हो जाता है उसके बाद मैं अब नेट का कपड़ा काटने वाली हूँ। इसको हम सर्कल के हिसाब से नहीं काटेंगे क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वो सर्कल में काटेंगे तो वो तिरछी डिज़ाइन बन जाएगी, तो इसको स्ट्रेट ही काटेंगे। तो इसके लिए मैं सिर्फ इसकी हाइट रख रही हूँ, 16.5 इंचज़ वाला जो हाइट है, और लेंथ मेरे पास जितना 2 मीटर का कपड़ा था वो पूरा का पूरा 2 मीटर मैं यूज़ करने वाली हूँ इसका लहंगा बनाने के लिए। मैंने हाइट का मेजरमेंट करते हुए उसको चौक से काट दिया है, मतलब मार्क कर लिया है, और उसको फिर मैं कैंची से काट दूंगी। ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो अंदर को फोल्ड करके बाय हैंड उसको हेम करूंगी। बेल्ट के लिए पहले लाइनिंग का कपड़ा टोटल 3 इंचज़ लिए हैं मैंने, और फिर सेम साइज़ का ही नेट का कपड़ा काटा है, ये भी 3 इंच का ही काटा हुआ। तो पहले लहंगे के लिए मैं उसका जो नेट वाला कपड़ा है उसको लेके स्ट्रेट स्टिच कर रही हूँ और वो अपने आप ही उसमें चुन्नट पड़ रहे हैं। आप बाद में उसको चाहे तो थोड़ा सा अपने हिसाब से फैला सकते हैं ताकि वो यूनिफॉर्मली फैल जाए, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और फिर जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको भी मैंने ऐसे ही चुन्नट मार के गैदर कर लिया है। ये हम कोशिश करेंगे कि जितना बेल्ट का लेंथ है उसके साथ ये मैच हो जाए। तो बेल्ट को एक साइड से पहले स्टिच किया है और उसको मैं पहले अटैच करूँगी लाइनिंग और नेट के साथ। और ये देखिए, मैंने उसको उस हिसाब से चुन्नट को अरेंज किया है ताकि वो लाइनिंग जितना ही उसका लेंथ मैच हो जाए। हमने ज़्यादा हमें इसमें एक्सेस नहीं रखना है क्योंकि वो जितना भी मटेरियल एक्सेस रहेगा वो फिर वो मैच नहीं करेगा और वो काटना पड़ेगा अल्टीमेटली हमको। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो लाइनिंग वाले डबल स्कर्ट था, डबल सर्कल स्कर्ट, उसको उसके ऊपर नेट वाला कपड़ा, और उसको मैं इस लाइनिंग के अंदर ऐसे स्टिच करने वाली हूँ। उसको उल्टा करके स्टिच करेंगे ताकि जब हम उसको फोल्ड करें तो वो स्ट्रेट होके निकल जाए। तो मशीन स्टिच के बाद मैं जो नेट वाला कपड़ा है उसको फोल्ड करके बाय हैंड उसको हेम करूँगी। मैंने जो फोल्ड किया है वो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ही रखा है ताकि अगर बाद में चाहूँ तो उसको थोड़ा और खोल के लहंगे को लंबा भी कर पाऊँ, क्योंकि बच्चा छोटा है तो ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी तो मैं चाहूँगी कि वो ज़्यादा देर तक उसको पहन पाए। मेहनत तो करी है काफ़ी मैंने तो ये मेरा पूरा का पूरा सेट बन गया ब्लाउज़ का और लहंगे का।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफ़िनेटली एक लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हो तो। आपको ढेर सारा प्यार भेज रही हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।